आज हम लोग सरलीकरण के अंतर्गत एक सवाल देखेंगे। सवाल दिखते बहुत सरल रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको नहीं बना पाते क्योंकि इसका बनाने का सूत्र या इसका बनाने का तरीका नहीं मालूम रहता। तो हमारे पास एक सवाल है कि 3 भागे 3 भागे 3 भागे 3 बराबर कितना होगा। इसका बनाने का एक तरीका है, तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह बोल सकते हैं सामान्य सूत्र है, मतलब ये होगा यदि a भागे b है, a भागे b, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a गुणित 1/b, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम इस सवाल को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 गुणित हो जाएगा 1/3 गुणित 1/3 गुणित 1/3, ठीक है ना। 4 3 है ना हमारे पास, 1 2 3 अबे लिख लिए हम लोग इस सूत्र के तहत, लिखे ना। अब क्या करेंगे, कटा देंगे, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, क्या बचा, ये 3 कट गया ना। तो 3 किया कितना हो जाएगा, 1/9 इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो यदि इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है कि 1/3 भागित 1/3 भागित 1/3 भागित 1/3 का मान क्या होगा। देखे पहले हम प्रश्न देखे थे वे क्या थे, सिंपल थे, लेकिन यहाँ पर बटे में है, ठीक है। जैसे हम उसको बनाए थे वैसे हम इसको बनाएंगे। देखो 1/3 का 1/3 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये भागित का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर भागित का गुणा 3 गुणित, ठीक है। ऐसे हम इसको सरल करेंगे। अब जो कट रहा है उसको कटा देंगे, ये 3 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 गुणित 3, तो 3 गुणित 3 कितना होता है, 9। तो इस सवाल का उत्तर होगा 9। तो इस प्रकार से हम यह सवाल बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।